हर अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। आज के प्रमुख समाचार इस प्रकार से हैं। पुलिस कप्तान मनीष खत्री ने बड़ी संख्या में 94 अपराधियों पर किया इनाम घोषित। जी हाँ, पुलिस कप्तान मनीष खत्री अपराधियों को बंदी बनाने या बंदी करवाने या बंदीकरण का विरोध किए जाने पर विधि संगत आवश्यक शक्तियों का प्रयोग करते हुए बड़ी संख्या में 94 अपराधियों पर 2,07,000 रुपये का इनाम किया घोषित। पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने जिन अपराधियों पर इनाम घोषित किया है उनमें अरुण चौहान पुत्र नेत्रपाल सिंह चौहान निवासी रूपावटी थाना अम्बा, सूरज पुत्र धन सिंह तोमर निवासी लालाराम कपुरा थाना दिमनी पर 10,000 रुपये, डीपू उर्फ अजय पुत्र गरीबा उर्फ राम नरेश यादव निवासी थाना रोड गोरमी पर 5,000 एवं अजय कटारे उर्फ छोटू पुत्र विनोद कटारे निवासी आई ब्लॉक शताब्दी पुरम ग्वालियर पर 2,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। इसी प्रकार निर्मल पुत्र हरि सिंह सिख निवासी फतेहपुर थाना गोहद चौरा, अशोक सिंह पुत्र रामकृष्ण निवासी गुटी कुइया थाना गोहद चौरा, बाबूलाल उर्फ बल्लू पुत्र चुन्नीलाल वाल्मीकि निवासी माता कापुरा थाना गोहद चौरा, लक्की उर्फ विजय उर्फ बाबू कुशवाहा निवासी वार्ड क्रमांक 18 इस्लामपुरा थाना गोहद चौरा, दीवान सिंह पुत्र गंभीर सिंह गुर्जर निवासी रनगवा थाना बेहट ग्वालियर, दिनेश सिंह पुत्र दिलीप सिंह गुर्जर, रवि सिंह पुत्र दिलीप सिंह गुर्जर, विक्रम सिंह पुत्र गंगा सिंह गुर्जर निवासी गढ़ सड़खेरिया थाना गोहद, संतोष सिंह पुत्र रुस्तम सिंह गुर्जर निवासी बकेपुरा बकेकापुरा थाना गोहद, जनक सिंह पुत्र अरविंद सिंह नरवरिया निवासी महगांव, राजवीर पुत्र रामकरण बरेटा निवासी ग्वालियर रोड महगांव, दिनेश पुत्र रामचंद्र शर्मा निवासी ग्वालियर रोड महगांव, सकावत खां पुत्र मुन्ने खां निवासी महगांव, राम सिंह पुत्र श्रोमन सिंह निवासी कुटरौली थाना गोरमी, रामस्वरूप निवासी धमसा थाना गोहद, जतबिंदर सिंह पुत्र कश्मीरा सिख निवासी विजय नगर इंदौर, रामस्वरूप रामरूप पुत्र वीर बहादुर कुशवाहा निवासी महगांव, सरोज वाल्मीकि निवासी महगांव, जयराम सिंह पुत्र राम भरत सिंह गुर्जर निवासी पोसवार कापुरा आरौली थाना गोरमी, बेटू पुत्र उदय सिंह भदौरिया निवासी मानेर थाना गोरमी, बालिस्टर पुत्र मोतीराम गुर्जर निवासी तितरिया आलोरी थाना गोरमी पर 2,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। इसी प्रकार विजय पुत्र सत्यनारायण शर्मा निवासी कल्याणपुरा रोड गोरमी, विजय पत्नी मुन्ना खंगार निवासी गागोटा का पुरा डीकरी थाना गोरमी, कमलेश पुत्र नेत्राम नरबरिया निवासी हसनपुरा थाना गोरमी, बर्फो भाई उर्फ बर्फो पत्नी सोरा कोवट केवट निवासी हरीचा थाना गोरमी, धनवीर सिंह पुत्र रघुवीर शकवार निवासी पंचम पुत्र थाना अम्बाहा मुरैना, शेर सिंह पुत्र पान सिंह नरबरिया निवासी पद्दू का पुरा थाना पूर्सा मुरैना, आयुष उर्फ छोटू उर्फ संजीव पुत्र राम भवन सिंह राजावत निवासी टहनगोर थाना नया गांव, पवन गुप्ता पुत्र रमाकांत गुप्ता निवासी वीरेंद्र नगर भिंड, छुआ गुप्ता पुत्री रमाकांत गुप्ता निवासी वीरेंद्र नगर महेंद्र वेद निवासी धर्मपुरा थाना रावतपुरा, मंटू पुत्र बैजनाथ काची निवासी मछरा थाना मोहना, शीला पत्नी ब्रजमंडल यादव निवासी अचलपुरा थाना मोहना, दीपक पुत्र राम प्रकाश चतुर्वेदी निवासी मोहना थाना मोहना, सोनू तोमर पुत्र राजन सिंह तोमर निवासी चिंतेकापुरा थाना दिमनी जिला मुरैना, गोविंद सिंह पुत्र नत्थीलाल गुर्जर निवासी मामौर थाना मामौर, छाया देवी पत्नी अनुरुद्ध त्यागी निवासी असवार थाना असवार, संतोष पुत्र रामबाबू निवासी असवार, सरला पत्नी रामबाबू निवासी असवार, सरता पत्नी संतोष शर्मा निवासी असवार, पप्पू खंगार पुत्र मान सिंह खंगार निवासी सुरदान निवासी थाना रोन, सरू उर्फ ज्ञान सिंह राजपूत निवासी औरैया उत्तर प्रदेश हाल में होना, सोनू पुत्र सिद्धार्थ सिंह गुर्जर एवं महादो परियार पुत्र पूरन सिंह परियार निवासी डोंगरपुरा थाना बिजौली ग्वालियर, शेरू उर्फ शिवकरण पुत्र राम बहादुर मल्ला निवासी जैतपुर थाना जीतमल जिला औरैया उत्तर प्रदेश, किशन पुत्र धीने जाटव निवासी भीमनगर थाना माधोगढ़ जिला जालौन उत्तर प्रदेश, नरेश पुत्र प्रताप सिंह गुर्जर निवासी पहलन थाना बरहेज जिला इटावा उत्तर प्रदेश, श्याम बिहारी पुत्र शिवशंकर लोहार निवासी चौराला थाना बिठौली जिला इटावा, साधना और पप्पी पत्नी विनोद शर्मा निवासी कुटना थाना हडिया जिला फरुखाबाद उत्तर प्रदेश, भागरथ पुत्र कुंजी काची निवासी पंतरी थाना में होना, जगत उर्फ जगत सिंह पुत्र मानपाल तेली निवासी में होना थाना में होना, भूरे खां पुत्र सिकंदर खां निवासी रहावली थाना लहार, रानू उर्फ मंगल पुत्र वीरन सिंह भदौरिया निवासी हीरा लाल कापुरा पुरा थाना देहात भिंड, अमित पुत्र जय सिंह राठौर निवासी इटाई रोड मचंड थाना रोहन, सुदामा पुत्र देवी दयाल ब्राह्मण निवासी काथा थाना में होना, कमलेश पुत्र चौकेलाल धानुष निवासी
फुले नगर मछंड थाना रोन, राजेंद्र पुत्र पप्पू उर्फ नवल किशोर सिंह राजावत निवासी मेहंदवा थाना रोन, शैलन सिंह पुत्र केसरी सिंह भदौरिया निवासी खेरिया थाना गोरमी, नारायण पुत्र गंगाराम बघेल निवासी वार्ड क्रमांक 9 बरगुन कपुरा थाना रोन, सोनू पुत्र गंगा सिंह खंगार निवासी मूरतपुरा थाना रोन, वीर सिंह उर्फ लेडू पुत्र बच्छव सिंह राजावत निवासी मेहदवा थाना रोन, मुकेश पुत्र बाबूराम टहनगुरिया निवासी इंद्रकी थाना रोन, रजनी देवी पुत्र रामकरण सिंह राजावत निवासी बसंतपुरा थाना रोन, बड़ेलाल उर्फ अजय पुत्र विजय कुमार सिरोटिया निवासी इंद्रकी थाना रोन, मन्नू सिंह पुत्र सुमेर सिंह निवासी हीरालाल थाना लाहरपत 2,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। जल देवी पत्नी वृंदावन सिवरे निवासी लाहर थाना लाहर, राजा बाबू पुत्र ज्ञा प्रसाद निवासी मटैयापुरा थाना लाहर, रमन पुत्र रामशंकर जाटव निवासी लाहर थाना लाहर, राजेंद्र उर्फ कल्लू पुत्र मूलचंद निवासी लाहर थाना लाहर, सुरेश पुत्र राजीव भदौरिया निवासी लाहर, पंडा उर्फ मनी पुत्र सुरेश भट्ट निवासी लाहर, रचना पुत्र निकसाई निवासी राहुली बेहट थाना लाहर, सुनील पुत्र श्रीपाल जाटव निवासी आलमपुर थाना आलमपुर, ओम प्रकाश पुत्र राम भरोसे गुप्ता निवासी भिंड, वंदना पुत्र फूलन देवी निवासी गरीबपुरा थाना अम्बा मुरैना, नवल सिंह पुत्र कल्लू निवासी रजौरा जिला दतिया, मुरारी पुत्र छविराम साकिबान निवासी नूरगंज ग्वालियर, प्रमोद पुत्र बाबूराम श्रीवास्तव निवासी धौनपुरा थाना लाहर, कपिल पुत्र लाखन सिंह राजपूत निवासी लालपुरा थाना लाहर, राजवीर पुत्र हरिराम पुरैया निवासी पारसन थाना बिजौली ग्वालियर, अवधेश पुत्र रामगोपाल प्रजापति निवासी बरगुनपुरा थाना लाहर, सोनू पुत्र बहादुर सिंह निवासी पररावन हाल लाहर, राघव पुत्र धीर सिंह राजावत निवासी रोहनी सिंहपुरा थाना लाहर, मीनू पत्नी सुदामा जाटव निवासी पर्राज थाना लाहर, विष्णा देवी पत्नी नारायण दास जोगी निवासी दबो थाना दबो, मानसिंह पुत्र मनसाराम राठौर निवासी उदयपुरा थाना लाहर, कल्ले पुत्र सुक्कू टीमर निवासी ढीमरपुरा थाना अतरेटा जिला दतिया, मैथिली पुत्र शिवदयाल तिवारी निवासी सालोन भी थाना पंडोकर दतिया, गोकुली पुत्र मूलचंद काछी निवासी नई बस्ती समतर जिला झांसी उत्तर प्रदेश, मनीष यादव निवासी भैंसली थाना रामपुरा जिला जालौन उत्तर प्रदेश पर 2,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। डीएम के निर्देश पर सीएम हेल्पलाइन अंतर्गत प्राप्त शिकायतों का तत्परता से निराकरण, नल जल योजना के विलुप्त सप्लाई के लिए ट्रांसफार्मर बदला, शिकायत के निराकरण के संतुष्टि व्यक्त कर जिला प्रशासन को दिया धन्यवाद। सीएम हेल्पलाइन अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की शिकायतों पर और समस्याओं को तत्परता से निराकरण किया जाता है। हाल ही में नल जल योजना के विलुप्त कनेक्शनों पर स्थापित ट्रांसफर जलने सीएम किसान कल्याण निधि योजना की गई राशि प्राप्त नहीं हुई संबंधित शिकायतें सामने आने पर कलेक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव के द्वारा इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभाग अधिकारियों को इन शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए सख्त निर्देश दिए गए। कलेक्टर के निर्देश पर संबंधित अधिकारियों द्वारा कार्रवाई करते हुए प्राप्त शिकायतों को तत्परता से निराकरण किया गया। जिला समन्वय समिति की बैठक संपन्न, राष्ट्रीय कृषि मुक्त दिवस कार्यक्रम 12 सितंबर को मनाया जाएगा। विधानसभा निर्वाचन 2023 स्टैंडिंग कमेटी का गठन, सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में प्रगति लाएं कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव, बिना सूचना के बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों को नोटिस जारी करने के दिए निर्देश, समय सीमा पत्रों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक संपन्न, कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में साप्ताहिक समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक कलेक्टर कार्यालय भिंड के सभागार में आयोजित की गई। कलेक्टर ने कहा कि समस्त विभाग सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों के निराकरण में प्राथमिकता से कार्य करें। बैठक के दौरान सीओ जिला पंचायत मनु शरियाम सहित अन्य विभागों के अधिकारी तथा कई अधिकारी वर्चुअल रूप से उपस्थित रहे। कलेक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव ने सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों की विभागवार समीक्षा करते हुए कहा कि समस्त विभाग सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों के निराकरण प्राथमिकता से करें, साथ ही सभी विभाग शिकायतों के संतुष्टिपूर्वक निराकरण में भी फोकस करें ताकि जिले की ग्रेडिंग में कमी ना आए। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों के निराकरण संतुष्टिपूर्वक किया जाए, बिना कार्रवाई के कोई भी शिकायत लंबित नहीं रहे, जो भी जवाब दर्ज करें वह गुणवत्तापूर्ण हो इसका विशेष ध्यान रखें। मांग आधारित शिकायतें जिनकी पूर्ति की जाना संभव नहीं है उसको फोर्स क्लोज की कार्रवाई की जाए। उन्होंने बिना सूचना के टीएल बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में ऊर्जा विभाग, खाद्य विभाग, पीएचई, पीडब्ल्यूडी, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, वित्त विभाग सहित अन्य विभागों की समीक्षा कर कहा कि उनके यहाँ जितने भी सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण हैं उनको तत्परता से नकार कर विभाग की रैंकिंग में सुधार लाना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 24 अगस्त को आयोजित होने वाले रोजगार दिवस कार्यक्रम की तैयारियों, सामान्य निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण गतिविधियाँ, लाडली बहना योजना, लाडली बहना सेना उपार्जन, जिले की खाद्य खाद उपलब्धता, नाला साफ सफाई, स्वच्छता सर्वेक्षण, डीओ लेटर की समीक्षा, जल जीवन मिशन योजना, इंटर डिपार्टमेंट समन्वय बिंदु सहित अन्य विभाग समय सीमा संबंधी महत्वपूर्ण कार्यों की समीक्षा
आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने मंगलवार को तहसील मेहगांव में करेंगे जनसुनवाई। कलेक्टर संजय श्रीवास्तव जिले की तहसीलों में जाकर जनसुनवाई करने के कार्यक्रम के अंतर्गत मंगलवार को मेहगांव में जनसुनवाई करेंगे, जिसके अंतर्गत कल 22 अगस्त 2023 को मंगलवार की जनसुनवाई कलेक्टर संजय श्रीवास्तव मेहगांव जनपद कार्यालय में 11 बजे से करेंगे। इस जनसुनवाई में तहसील स्तरीय सभी अधिकारी उपस्थित रहेंगे। इसी के साथ जिला स्तरीय जनसुनवाई कलेक्टर कार्यालय भिंड में आयोजित की जाएगी। लंबित पेंशन प्रकरणों के नाकड़ हेतु शिविर 24 से 25 अगस्त को। फोटो निर्वाचन नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अंतर्गत 26 से 27 को विशेष कैंप। सड़कों पर बैठे आवारा पशुओं को उठाने हेतु वाहन अधिकृत। कलेक्टर संजय श्रीवास्तव ने ग्वालियर भिंड इटावा मार्ग पर बैठे आवारा पशुओं को रतनगढ़ जंगल में छोड़ने हेतु वाहन वीवी क्रमांक UP-83BT-6724 को अधिकृत किया है। कलेक्टर ने बताया कि संभाग के प्रबंधक मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड संभाग चंबल संभाग ग्वालियर भिंड इटावा मार्ग पर बैठे पशुओं को अन्यत्र छोड़ने हेतु मेसर्स MP IBH प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली द्वारा वाहन क्रमांक UP-83BT-6724 का चयन किया गया है। मेसर्स MP हाईवेज प्राइम लिमिटेड नई दिल्ली द्वारा कतिपय व्यक्तियों द्वारा उक्त कार में बाधा उत्पन्न किए जाने पर उपरोक्त वाहन को संबंधित कार्य करने हेतु अधिकृत किए जाने का निवेदन किया है। उक्त निवेदन पर वाहन क्रमांक UP-83BT-6724 को संबंधित कार्य करने हेतु अधिकृत किया गया है। जात पात पूछे ना कोई, हर को भेजे सो हर को हुए मंत्र देती है इसने यात्रा। स्वामी वेदांतानंद जी महाराज भिंड और अटेर विकास खंडों में 10 स्थानों पर पहुंची इसने यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेश में 50,000 शिक्षकों की भर्ती पर राज्य सरकार को दी बधाई। मुख्यमंत्री चौहान ने नवनियुक्त 5,580 शिक्षकों को प्रदान किए नियुक्ति बधाई पत्र। शिक्षकों पर भावी पीढ़ी को गढ़ने, उन्हें आधुनिकता में ढालने और नई शिक्षा देने की जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री मोदी। शिक्षक विद्यार्थियों की चिंता करें, शिक्षकों की चिंता करना मेरा दायित्व है मुख्यमंत्री चौहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री चौहान ने शिक्षकों से किया जनसंवाद। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल जुड़े नवनियुक्त शिक्षकों से प्रशिक्षण सह उन्मुखीकरण कार्यक्रम से दिया संदेश। हर अपडेट देखें सबसे पहले, साथ में हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें।